ठीक है वैसे तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को बताया कि टोटल सर यहाँ पे हमारा चार मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे डिवीजन नहीं है। डिवीजन क्यों नहीं है जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया ये दो कॉन्सेप्ट बहुत रेयर केसेस में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन जो भी इस चैप्टर का वेटेज है वो बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, देन थर्ड हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ना है, टोटल चार चीज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, को फैक्टर एलिमेंट, को फैक्टर मैट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक एंड इनवर्स। इनवर्स निकालना, बच्चे इनवर्स हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, बाय एडजॉइंट मेथड निकाल सकते हैं, बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम निकाल सकते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप 10 साल का पेपर देखोगे तो हर 3 साल के बाद ये क्वेश्चन बेसिकली पेपर में आते ही है, मतलब 3 पेपर में। ठीक है, आप जो भी 3 पेपर उठा के देखो तो ये एक बार क्वेश्चन आपको पेपर में दिख ही जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आया रहेगा तो ये दोनों मार्क्स को एक आएगा पेपर में। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आएगा ये आएगा, नहीं तो ये दोनों मार्क्स को ही आएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एप्लीकेशन मतलब कि इस मैट्राइसिस जो हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम अगर चैप्टर्स को पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो खाली हम सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसको पेपर्स में राइट कर रहे हो उसका हमें एप्लीकेशन ही नहीं पता, उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज करना है हमें हमें नहीं पता, तो उसका कोई चैप्टर का मतलब नहीं। तो आप लोग जो भी चैप्टर को पढ़ोगे तो इतना दिमाग पर रखेंगे सर उसके एप्लीकेशन क्या, हमें उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एप्लीकेशन में हम दो टाइप से करेंगे, तो जब ये हमारा एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आप लोगों को वहाँ पे बताऊंगा कि एप्लीकेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा, इस मैट्राइसिस चैप्टर हमारे फ्यूचर में कितना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ बच्चों, ये हमारे जो चार मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फिलहाल हमारा जो 3 कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा टाइम के लिए पेंडिंग कर रखते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे बच्चों हम लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टोटल 14 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। मतलब अगर आप लोगों के सामने कोई भी अगर एक मैट्रिक्स बना के दिया जाए तो आप लोगों का मैट्रिक्स डेफिनेटली इसमें से किसी न किसी टाइप का मैट्रिक्स होगा। मतलब जैसे यहाँ पर जो भी मैंने 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ था, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते थे, बोले आप लोगों को बोला कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसे 2-3 मैट्रिक्स देगा, आप लोगों को बोलेगा उसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप लोगों को जो मैट्रिक्स दिया रहेगा जो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड टाइप ऑपरेशन, आप लोगों को बोलेगा सर वो मैट्रिक्स का कोफैक्टर एलिमेंट निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताइए, एडजॉइंट बताइए, इनवर्स बताइए, मतलब जो भी चीजें हम लोग को कॉन्सेप्ट में करना है वो सारी की सारी चीजें आप एक मैट्रिक्स को उठा के सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ध्यान से सुनेगा तो इसी में आप लोगों को समझा हुआ है, 2:2 के ऊपर 3:3 के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे और सारे के सारे मेथड को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से समझिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टोटल सर 14 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया हूँ, रो मैट्रिक्स सबसे पहला होता है, सेकंड में है आप लोगों का कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है आप लोगों का जीरो मैट्रिक्स, फोर्थ है आप लोगों का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिफ्थ वन है स्क्वायर मैट्रिक्स, सिक्स वन है आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स, सेवन वन है आप लोगों का यूनिट, या फिर आप इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। आई से इसको इंडिकेट किया जाता है कभी कभी, ये आप लोगों को पेपर में ऐसा भी पूछ लेता है 2:2, इसका मतलब वो आइडेंटिटी ही पूछ रहा है आप लोगों को। आप कोई भी आइडेंटिटी 2:2 मतलब रो और कॉलम वाला ले सकते हैं, 3:3 थर्ड 3 रो और 3 कॉलम का कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं एज अ यूनिट, जैसे अगर वहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट वन है आप लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, 8:1 है, 9:1 है आप लोगों का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था वो एलिमेंट था। ठीक है, एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक आप लोगों का घर है तो घर पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप घर कहाँ पे रह रहे हो तो वो आप लोगों के टाइप का, घर के अंदर अगर आप आ गए तो वो आप लोगों का एलिमेंट है, तो आप लोगों को पूरे घर को पहचानना। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स को आप लोगों को पहचानना, वो एलिमेंट की बातें हमने किया हुआ था। यहाँ पे ये मैट्रिक्स की बात, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सेम ही है पर थोड़ा बहुत अलग अलग है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन है हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ऐसे टोटल 14 टाइप्स के आप लोगों के मैट्रिक्स है, सिंपल है, खाली बेसिकल ये चीज है कि जो भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ पर डे, जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक और कॉन्सेप्ट बताया, तो अगर बेसिक आप नहीं भी राइट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट पर डे। ठीक है, मैट्रिक चैप्टर डालिए, 4 कॉन्सेप्ट है,
टाइप ऑफ मैट्रिक है, सारे टाइप को लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे ही आप अगर अपना पेन चलाते हैं ताकि आप लोगों का ब्रेन उतना रिकॉल करता रहे, या फिर कहीं पे भी आप चलते भी समय कहीं पे अगर समझिए कि आपका कोई फ्रेंड आ रहा है मिलने के लिए या फिर आप ऐसे ही खड़े हो तो आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में रिकॉल कर सकते हैं कि चार टाइप से टाइप के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं फटाफट। इससे होगा क्या कि हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बार बार सोचता रहेगा। इसका मतलब आप लोगों का टीम एग्जाम तक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा रो मैट्रिक्स, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप के अंदर हम चालू कर रहे हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब होता क्या, एक एक करके आप राइट भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो। अब एक ही रो का मतलब समझ रहे हो, समझिए कि काउंटर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े। ठीक है, लाइन में खड़े समझो, 1 2 3 या फिर ऐसे उनको नंबरिंग दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें एक ही रो मतलब समझ लो बैंड टाइप वाला जो मैट्रिक्स हो, जिसमें एक ही रो होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या, आप ऐसे इस मैट्रिक्स आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आप बहुत सारे लाइन को देखे होंगे, समझिए कि आप इनके फ्रंट से इसको देख रहे हो तो वो एक ही रो के अंदर है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो और कॉलम कितने भी, मतलब यहाँ पे रो कितना सर एक, कॉलम कितना सर 4, मतलब इसका ऑर्डर हुआ 1:4। ठीक है, जैसे अगर और एक एग्जांपल बताऊँ तो 1 2 3 -1 4 ऐसे, मतलब इसका ऑर्डर कितना बचा हमारा 1:5, मतलब एक ही रो होने की कॉलम कितने भी होंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे मैट्रिक जो सिंगल एक मतलब एक लाइन के अंदर हो, एक ही रो के अंदर, दूसरा रो नहीं आना चाहिए बच्चों। अगर दूसरा रो आएगा तो डेफिनेटली कुछ अलग टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ही रो होना चाहिए, अगर जहाँ पे भी आपको एक ही रो दिख रहा है, कितने भी कॉलम दिख रहा है, एक ही रो कॉलम कितने भी दिखे, एक कॉलम रहेगा तो भी चलेगा, बट कितने भी कॉलम एन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। एक ही रो होना चाहिए और कितने भी कॉलम होगा तो भी चल जाएगा, ओनली वन रो। ठीक है, वन रो एंड एन नंबर ऑफ कॉलम, एन नंबर का मतलब, एन मतलब कितना भी। ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉलम, एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 इसका ऑर्डर है 1:3। भी एक मैंने और एक एग्जांपल ले, यहाँ पे देते हैं 1 2, इसमें टोटल सर 2 एलिमेंट है 1:2। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें इससे एक ही रो होने चाहिए और कॉलम कितने भी होने चाहिए। सेकंड मैट्रिक्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉलम रो मतलब क्या सर, एक ही रो होना चाहिए, वैसे कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एक ही कॉलम होना चाहिए, एक ही कॉलम मतलब समझ रहे हो, ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसमें सिर्फ एक ही फ्लोर टाइप में हो। ठीक है, रो कैसे होता है सर, बैंड टाइप में होते हैं, कॉलम कैसे होता है सर, ऐसे खड़े टाइप। ठीक है, जब ध्यान से सुनेगा इसको इमेजिन करिए, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर फिगर को कहाँ पे देखा होगा। ठीक है, रो हम लोगों ने लाइन में देखा हुआ बेसिकली। ठीक है, कॉलम्स कहाँ पे होता है, जैसे खड़ी टाइप में जो बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 2 3 4, इसमें ऑर्डर क्या है सर, टोटल यहाँ पे 4 रो है और एक कॉलम है, 4:1। मतलब रो किसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं सर हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो रो और कॉलम हमारा क्लियर है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, जरा कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा सर, ओनली वन कॉलम एंड एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज मतलब एग्जांपल का, अगर एग्जांपल देखें तो कैसे दिखेगा हमारा, 1 2 जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जांपल, इसका ऑर्डर क्या है सर, 2:1। ठीक है, 2 रोज और एक कॉलम है, आपको पहले रोज को ही दिखाना, अगर और एक एग्जांपल है तो 1 2 3 ले लेते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा सर 3:4। ठीक है, रो और कॉलम हमारा क्लियर होगा। रो मैट्रिक किसको बोलते हैं सर, ऐसा मैट्रिक जिसमें सर एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सर, ऐसे खड़े टाइप वाले जो मैट्रिक्स होते हैं हमारे, हम प्रार्थना में भी ऐसे खड़े हैं, तो खाली आप लोग प्रार्थना को पीछे से ना देखें, सामने से देखें। ठीक है, तो हम लोग का एक इमेजिनेशन व्यू क्लियर होगा सर, क्रिएट होगा। और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसे खड़े बिल्डिंग टाइप में जिसमें एक ही फ्लोर पे एक के ऊपर एक फ्लोर रखा गया हुआ है। ठीक है, कॉलम टाइप में। ठीक है, तो हमारा रो और कॉलम क्लियर होगा सर, एक ही रो और एक कॉलम, एक ही रो होना चाहिए, कितने भी कॉलम होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए, कितने भी रो होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा आप अपने दिमाग में सुनो, ऐसा मैट्रिक्स बना के दिखाइए, ऐसा मैट्रिक्स के बारे में सोचिए जो मैट्रिक्स को देख के मैं रो भी बोल सकूँ और कॉलम भी बोल सकूँ। सोचिए जरा, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स बनाइए जिसको हम लोग देख के रोज भी बोलें, उस मैट्रिक्स को देख के मैं रो टाइप का भी बोलूं, रो मैट्रिक्स भी ऐसा भी है और एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है सर, ऐसा मैट्रिक्स मैंने बना दिया,
अब पहले रो का कंडीशन क्या है सर, एक ही रो होना चाहिए, मैंने एक रो ले लिया, ठीक है। कॉलम क्या होता है सर, एक ही कॉलम भी होना चाहिए, तो मतलब मेरा मैट्रिक्स होगा सर 1:1, मतलब एक ही एलिमेंट कोई भी ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। ये ऐसा मैट्रिक जिसमें सर एक ही रो और एक ही कॉलम, एक रो इसको मैं रो मैट्रिक्स बोल सकता हूँ, एक ही कॉलम भी ऐसे सर इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या सर, एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो, एक हो, दो हो, चार हो, दस हो, उससे मैं मतलब नहीं। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी उससे मैं मतलब नहीं। दिस इज व्हाट कॉलम टाइप रो टाइप का जो एग्जांपल है। थर्ड है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, मैं आप लोग डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी आप मैट्रिक्स बना रहे, जो भी आप अपने मर्जी से कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके सारे के सारे एलिमेंट को जीरो ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, थर्ड है हमारा जीरो मैट्रिक्स, ध्यान से समझिए, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या कि सर कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया, आपको जैसा मन करता है वैसा ले लीजिए, जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हम लोगों ने क्या कर लिए, जीरो ले लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो रहेंगे, तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारा बच्चे, मतलब ऐसा डेफिनेशन हो सकता है ऑल एलिमेंट, ना बच्चे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, ना ऑल एलिमेंट, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक इज जीरो, ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक इज जीरो, ठीक है। तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। चलो अब एक ऐसा एग्जांपल बताइए, ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो और जीरो मैट्रिक्स भी हो, ठीक है। सोच लिए, चलो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। अब रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स मतलब होता है कि एक ही रो होना चाहिए, चलो हमने यहाँ पे एक दिखा दिया। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, सर एक ही कॉलम होना चाहिए, तो चलो एक कॉलम का भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स मतलब सर इसमें जो भी एलिमेंट लेना चाहते हैं आप जीरो ले लीजिए, तो आप जीरो भी बोल सकते हैं। मतलब सर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सर एक रो है इसलिए रो मैट्रिक्स हो गया, एक कॉलम इसलिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसका जो भी एलिमेंट हो जीरो इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो तीनों रो को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वन है हमारा बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बच्चों रेक्टेंगुलर को मैं फोर्थ, स्क्वायर को मैं फोर्थ नंबर दे देता हूँ और रेक्टेंगुलर को फिफ्थ दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी, ये अच्छा भी रहेगा बच्चों, ठीक है। तो फोर्थ वन है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर वैसे ही पढ़े तो वैसे ही पढ़ते हैं, ताकि आप लोग मतलब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या सर, रेक्टेंगल की तरह जो लिखता हूँ, रेक्टेंगल मतलब आपको पता ही सर, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले रहे हो आप लोग, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब समझिए आप लोग, किसको रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा था, स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर के शेप में दिखना चाहिए, 1, 2, 3, 4 मतलब जो यहाँ पे लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ पे भी होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम सेम ना हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेथ सेम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट होगा, समझ लीजिए यहाँ पे 2:4 इसको आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। इसमें रोज और कॉलम सेम है सर, ध्यान से सुनिए, रोज और कॉलम सेम है सर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब वर्ग, हिंदी में इसको वर्ग बोला जाता है, 2:2, ठीक है, 3:3 जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, 2:2, 1:1, 1 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, जिसमें 1 लेंथ है 1 ब्रेथ है तो आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है मतलब 2:2 तो आप इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर स्क्वायर हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्यों, क्योंकि आगे के जितने भी टाइप के मैट्रिक्स है उसका सबसे पहला कंडीशन यही है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। इसलिए जब हम बेसिक पढ़ रहे थे, जब बेसिक हम वहां पे पढ़ रहे थे, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था बच्चों, जो ध्यान से सुनेगा आप लोग के लिए, रेक्टेंगुलर टाइप के मैट्रिक्स पेपर में ना के बराबर ही आता, मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, जो भी हमारे जो बेसिकल ज्यादा आपको रेक्टेंगुलर टाइप सिर्फ दो ही में बन सकता है, एक टाइप पूछा जा सकता है उसके अंदर कि कौन से टाइप के मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बेसिकली वो एक ही टाइप है रेक्टेंगुलर, और दूसरा चीज है कि इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूछा जा सकता है, एक मतलब रेक्टेंगुलर को, बट जो स्क्वायर टाइप वाले जो मैट्रिक्स है 2:2 और 3:3 वाले, मतलब हम लोग को जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है मैट्रिक चैप्टर में, तो 2:2 और 3:3 वाले के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टेंगुलर टाइप के एग्जांपल आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूछा जाता है, वो तो मैं अभी आप लोगों को बता दे दूंगा, और 2:2 और 3:3 के ऊपर ही एग्जाम्पल्स को लो और सारे मैथड को ट्राई करो, ठीक है। ध्यान से समझ, रेक्टेंगुलर मतलब क्या, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ मतलब
रोज और कॉलम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। रोज और कॉलम क्या होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब बच्चों फोर्थ टाइप है हमारा रेक्टेंगुलर, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब रोज और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, अब एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो बच्चे। रेक्टेंगुलर के टाइप में मतलब आप उसका रो मैट्रिक्स भी ले सकते हो, इसमें एक रो और तीन कॉलम है, ठीक है। रो मैट्रिक्स को भी आप रेक्टेंगुलर बोल ही सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो और कॉलम अलग अलग है, ठीक है, 2:3, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है बच्चा फिफ्थ वन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब होता है सर ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम सेम हो। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, रोज और कॉलम सेम, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं तो एग्जांपल क्या बन सकता है सर, 1 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, इसका ऑर्डर होगा 1:1, सर रोज और कॉलम सेम है इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 2:2 के ऊपर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अगर मैंने यहाँ पे, तो 2:2 इसे भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो, और 3:3 का भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब टोटल हमारा 14 टाइप्स में थे, यहाँ पे हमारा 5 टाइप्स क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान समझिए जरा, 5 टाइप्स में का फिर से हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या हमारा, सॉरी बच्चों, रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर 1 एक ही रो होना चाहिए और कितने भी कॉलम होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। कॉलम का नाम सुनते ही बच्चों आप लोगों को ऐसे खड़े टाइप जैसे बिल्डिंग आप लोगों को दिखना चाहिए। थर्ड चीज क्या है बच्चों हमारा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी एलिमेंट दिए गए मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे जीरो, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब सर रेक्टेंगल की तरह दिखना चाहिए, मतलब रोज और कॉलम अलग अलग, जैसे यहाँ पे 2 रोज ले लिया, यहाँ पे सर 3 कॉलम ले लीजिए, 4 कॉलम ले लीजिए, 3 रो ले लिए तो 2 ही कॉलम लीजिए, मतलब रोज और कॉलम को सेम नहीं करना है उसे, ठीक है। रोज और कॉलम को सेम नहीं करेंगे तो सर वो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल जैसे हम लोगों को दिखेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोगों को बताया सर रोज और कॉलम सेम होना चाहिए। अब इसके आगे जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स है बच्चे, जब ध्यान से सुनिए, ये सारे के सारे आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इसके आगे जो है, तो 5 के बाद जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स है उसका सबसे पहला कंडीशन यही है कि वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगुलर सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए ही यूज है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए बेसिकली यूज आ रहा है ज्यादा, मतलब रो तो कॉलम ले रही है बट ज्यादा नहीं, बट जो स्क्वायर है स्क्वायर सब में यूज आने वाला है। मतलब इसीलिए हमारा जो एग्जांपल हम ट्राई करेंगे 2:2, और जब आप लोग अपने बुक को फॉलो करोगे तो उसमें जो भी आप लोग को एग्जांपल दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑपरेशंस के अंदर, वो 2:2 और 3:3 वाले दिए हुए, क्योंकि वहां पे आप लोग को ऑपरेशंस के अंदर जो भी हमारे ऑपरेशंस के कंटेंट है उसके अंदर तो स्क्वायर ही काम करना है, रेक्टेंगुलर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, वो चीज को मैं टाइप्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि डायगोनल उसके अंदर होना जरूरी है, एंड सो ऑन जो भी चीज है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारा 5 टाइप्स क्लियर हो गया, आप लोग अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जाता हूँ। 6 टाइप है बच्चों हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या था आप लोगों को बताए, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं बच्चों, डायगोनल एलिमेंट मतलब सर जो मैट्रिक्स है बीच में होता है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर बोल रहे हो, अब आपको पता ही है सर हमारे सामने से 2 ही टाइप का एग्जाम्पल आएगा, या फिर स्क्वायर आएगा या फिर रेक्टेंगुलर आएगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स तो ऐसे तेरा मेरा नहीं होगा ना, मैट्रिक तो सीधे ही होगा। अब हर सीधी चीज खाली 2 ही टाइप बना सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि रेक्टेंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो आगे का टाइप सेटिस्फाई करेगा ही, मतलब इसमें से कोई भी टाइप नहीं होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इसमें से भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 90% चांसेस है, 10% चांसेस है कि ना, ठीक है। तो टाइप को डिसाइड करते देखते हैं कि हर एक के लिए क्या क्या खासियत है, हर एक टाइप में, हर एक पर्टिकुलर टाइप में। 6 वाला है बच्चों हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिए जरा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिर्फ काम करने वाला है। तो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाइए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान समझिए, इसका डेफिनेशन में राइट करूंगा तो आप लोग इसको जरा अच्छे से इसको एक कीजिएगा, रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको राइट करना था आप अपने मजे से राइट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, डिफरेंट डिफरेंट कोई भी डिफरेंट एलिमेंट हो, कोई भी डिफरेंट, बट लोअर और अपर एलिमेंट कंपलसरी जीरो होने चाहिए, कंपलसरी। मतलब
डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा जो तीन टाइप है वो एक साथ में है बच्चों, ये हमारा तीन टाइप है, ठीक है, ये हमारा तीन, ठीक है, ये पार्ट अलग बंच में है क्योंकि ये अपने अलग अलग क्वालिटी, ये तीनों सेम ही टाइप के हैं और ये नीचे के अलग कंटेंट है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डायगोनल में कोई भी अलग है ना, मतलब डिफरेंट, जीरो वन ले लीजिए, वन टू ले लीजिए, कुछ जैसे वन को, बट इसको डायगोनल को छोड़ के ये दोनों एलिमेंट मतलब अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो, द पोजिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल शुड बी डिफरेंट एलिमेंट, या फिर आप वैसे भी आप इसको बना सकते हो कि द एलिमेंट इन डायगोनल पोजिशन इज डिफरेंट एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो, क्योंकि जस्ट ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको समझना है तो आप उसको अपने मर्जी से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन और फोर हमारे डायगोनल से हमें कोई भी डिफरेंट एलिमेंट ले लिए हुए, और जो हमारा लोअर और अपर एलिमेंट है वो हमने क्या ले लिया है, जीरो। तो ऐसे टाइप के जो भी मैट्रिक्स होंगे मतलब यहाँ पे जीरो और यहाँ पे मतलब डिफरेंट होना चाहिए, समझिए जरा, अगर यहाँ पे भी जीरो ले लिया तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, इसीलिए आपका लोअर और अपर एलिमेंट जीरो, और इसके बाद बच्चे हमने कुछ भी वन टू थ्री पर कुछ भी, पर लोअर अपर जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों में से अगर कुछ भी है तो डेफिनेटली ये तीनों में से तो नहीं है, कुछ अलग टाइप के ही होंगे, मतलब ये तीनों का कंडीशन क्या है कि लोअर अपर जीरो होना जरूरी है। अगर लोअर अपर जीरो का तो डेफिनेटली ये टाइप में से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मैं एग्जाम्पल राइट कर दे रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन राइट करें तो आप राइट कर सकते हो, डायगोनल एलिमेंट diagonal element is not same and remaining all element and remaining matlab upper and remaining all element are zero matlab lower or upper element aapne mujhe se kuch bhi bana lijiye example ke taur par hum le lete 1 0 0 2, theek hai, 2 3 3 wala 1 0 0, theek hai, ya fir 1 2 3 humne diagonal le liya, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, ठीक है। इसका इसका ऑर्डर है 2:2, इसका ऑर्डर है 3:3, ठीक है, ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सेवंथ वन है बच्चों, हमारे ध्यान सुनिएगा, यूनिट, ठीक है, यूनिट बोलिए या फिर इसी को आप आइडेंटिटी बोलेंगे तो भी मतलब वही है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम चीज है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या है, यूनिट से आप लोगों का नाम क्लियर हो जा रहा है, यूनिट मतलब होता है वन, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पोजीशन में कोई भी डिफरेंट नंबर हो, कोई भी डिफरेंट 1 2 1 0 कोई भी डिफरेंट होना चाहिए, बट उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में सर डायगोनल पे हरदम वन ही होना चाहिए, ठीक है, वन मतलब जो डायगोनल पोजिशन होगा वो वन ही होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग 1 0 0 1, ठीक है, डायगोनल पे वन ही होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होना चाहिए। 3:3 में आप कैसे देख सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल पे हरदम सेम में वन ही होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट मतलब आइडेंटिटी भी इसको बोला जाता है, कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसा 2:2 आप लोगों को कंसीडर करने के लिए बोलता है, I 2:2 का मतलब आपको 2:2 मतलब 2 रो जो दो कॉलम वाले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है, 3:3 भी लिखा होता है यहाँ पे, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाले आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि सर डायगोनल का एकदम 1 होने चाहिए और रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, डायगोनल पे कोई भी डिफरेंट एलिमेंट हो बट रिमेनिंग सारे 0, ठीक है। तो डायगोनल और यूनिट क्लियर है बच्चों। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जा रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, 8th वन है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है बच्चों हम लोगों का ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके डायगोनल पोजीशन पे सेम नंबर हो बट 0 और 1 को छोड़ दें। तो सर ये दोनों में फर्क क्या, इसमें डायगोनल क्या होता है, 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे 2:2 आ जाए, 3:3 आ जाए, 3:3 आ जाए, 4:4 आ जाए, AAA आ जाए, BBB आ जाए, मतलब डायगोनल पे हरदम सेम बट 0 और 1 को छोड़ दें, मतलब क्या, एक्सेप्ट 0 एंड 1, द डायगोनल पोजीशन है ऑलवेज सेम एक्सेप्ट 0 एंड 1 एंड द रिमेनिंग ऑल एलिमेंट आर व्हाट, 0, मतलब डायगोनल पे कोई भी सेम एलिमेंट चलेगा बट 0 और 1 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि 0 आएगा तो सर वो सारे 0 हो जाएंगे तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर 1 आ गया तो सर वो तो आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब 2:2 3:3 ले सकते हो आप, मैं 3:3 में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप कोई भी डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान से सुनिएगा कि अगर डायगोनल पे सेम है एक्सेप्ट 0 एंड 1,
एंड रिमेनिंग सारे जीरो है, तो उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 8 टाइप, ये तीनों में खासियत क्या है सर, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो तीनों को आप कैसे याद रखना है सर, डायगोनल, यूनिट और स्क्वायर, ये तीन चीज अलग है, कैसे याद रखना सर। डायगोनल मतलब होता है सर डायगोनल तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट, बाकी के दोनों सर दोनों सेम होने चाहिए, पर यूनिट मतलब सर वन ही होना चाहिए, और स्केलर में सर कोई भी डिफरेंट चलेगा। यूनिट से नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिट मतलब होता है बच्चों वन, वन को ही आप सेकेंड लैंग्वेज में यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट आगे, अगर लोअर और अपर जीरो है सर, तो इतना याद रख लीजिएगा कि सर तीनों में से कोई ना कोई टाइप का मैट्रिक्स है, अगर डिफरेंट दिया हुआ डायगोनल तो डायगोनल है, अगर वन 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 दिया हुआ है तो सर ये हमारा डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स है, अगर वन को छोड़े कोई भी सेम नंबर दिया हुआ है तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारा टोटल 8 टाइप क्लियर हो गए, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमारा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होना चाहिए और कॉलम कितने भी होने चाहिए, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप में बच्चों, ऐसे टाइप में मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होना चाहिए, एक ही कॉलम और रोज कितने भी होने चाहिए, ठीक है। थर्ड है सर कि सर जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा बच्चों रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब होता है कि सर रोज और कॉलम सेम नहीं होने चाहिए, जितने रोज और उतने कॉलम सेम नहीं है तो ऐसे टाइप का हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर तो हमें हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर रोज और कॉलम सेम हो जाएंगे तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सर तो डेफिनेटली आगे से भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बच्चे डायगोनल एलिमेंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायगोनल फर्स्ट और लास्ट रेक्टेंगुलर टाइप में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका वन पे चालू हो गया, 2-4 पे खत्म हुआ है बच्चों, इसका रोज और कॉलम का जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, उसके वजह से आप इसको डायगोनल एलिमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये डायगोनल एलिमेंट 1-1 और 2-2 बट यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके वजह से आप इसमें डायगोनल एलिमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ से शुरुआत हो वहाँ एंडिंग पे जाके खत्म हो, स्क्वायर साइड में हो, तो ही हम लोग उसके मिडल एलिमेंट को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, तो आप लोगों को समझ गया होगा आई थिंक, तो ठीक है। तो टोटल हमारा 8 टाइप ओवर हो चुका है, नेक्स्ट टाइप की तरफ जा रहे बच्चों, बोर मत होना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। बेसिक अगर क्लियर हो जाता है बच्चों आप लोगों का, और टाइप क्लियर, फर्स्ट टाइप है हमारा, क्वेश्चन तो इसके ऊपर नहीं आते, बहुत रेयर केसेस में ही आते हैं, बट हम लोग के लिए चीज इंपॉर्टेंट है, टाइप हम लोग को पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स में फैमिली बोला जा रहा था, चैप्टर का नाम हो गया बच्चों, पर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने अंकल हैं, कितने चाचा हैं, कितने और भी रिलेशन हैं, तो हम लोग इस फैमिली को अच्छे से समझ सकते हैं, इस पर्टिकुलर कंटेंट को। तो उसी प्रकार आप लोग की जो फैमिली है वो आप लोग मैसाइसेस और फैमिली के अंदर कितने सारे टाइप से कितने सारे टाइप्स के लोग रह रहे हैं, और उसके बारे में अगर आप लोग जान लो समझ लीजिए कि आप लोग फैमिली में किसका किसके रिलेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट वन आते हैं बच्चों 9 टाइप की तरफ, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप जैसा आप लोग मत सोचिएगा कि जैसा हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था वैसे ही, अपर सर थोड़ा सा चेंजेस है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अपर मतलब लोअर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, समझे, मतलब सर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका लोअर एलिमेंट जीरो, समझ लो, मतलब सर अभी ऊपर और नीचे अगर जीरो आएगा तो सर डेफिनेटली इसमें तो होगा, अगर दोनों में से अगर एक जगह पे जीरो है और एक जगह पे नहीं है तो ये दोनों टाइप में से बनने के चांसेस है। अगर नीचे जीरो है तो रिवर्स है बच्चों, उल्टा है, अगर नीचे जीरो आया तो लोअर जीरो, लोअर एलिमेंट अगर जीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर अपर में जीरो है, ठीक है, मतलब कि समझ गया बच्चे, तो इसका लोअर एलिमेंट इज जीरो, गिवन मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फ्रेंड वन इज व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है सर, लोअर मतलब क्या है सर, अपर जीरो होना चाहिए, उल्टा, अगर ऊपर जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर होगा, नीचे जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर। जैसे एग्जांपल अगर मैं आप लोग को लूँ 2:2 वाला, तो 1, 2, 3 और यहाँ पे जीरो ले लिया, यहाँ पे आएगा तो भी चलेगा, हम लोगों को सर डायगोनल से मतलब नहीं, लोअर और अपर से मतलब है हम लोगों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चों, ठीक है, तो लोअर जीरो है इसके वजह से ये अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0-0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायगोनल से कोई लेना देना ही नहीं, हमें खाली नीचे और ऊपर वाले एलिमेंट से लेना देना है, ठीक है। तो 10th वन अब आप लोगों का लोअर ट्रायंगुलर भी समझ गया, अगर लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है सर ऊपर जीरो होना चाहिए, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर का एग्जाम्पल अपने तरफ से राइट कर देंगे, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट वन, टेन तो हमारा खत्म हो गया बच्चों, यहाँ तक एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो होने से कितने भी कॉलम होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी हो। जीरो मैट्रिक्स मतलब सर जितने भी एलिमेंट दिए गए सारे के सारे जीरो होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब सर जितने भी एलिमेंट हो उसके रोज और कॉलम सर सेम नहीं होना चाहिए, जितने रोज और उतने कॉलम भी नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सर रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, जितने रोज और उतने कॉलम स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब होता है सर डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो बट बाकी सारे जीरो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सर डायगोनल पे सेम एलिमेंट वन 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 होना चाहिए बट सारे लोअर अपर जीरो होने चाहिए, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब होता है सर डायगोनल पे कोई भी सेम एलिमेंट हो बट जीरो और वन को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए, मतलब लोअर अगर अपर जीरो दिया गया बच्चा तो डेफिनेटली इसमें से अगर लोअर अपर मतलब कोई एक जगह पे जीरो दिया तो ये दोनों टाइप में से बन जाता है। नेक्स्ट वन है बच्चा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा। जैसा हो गया बच्चे इलेवन टाइप है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बच्चे, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है। आप लोग के सामने कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, समझिए 2:2 का भी मैंने मैट्रिक्स दे दिया, सर ध्यान से समझिए। आप लोग क्या करोगे ना, इसको डिटरमिनेंट में लेके सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट में लेके, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा सर, 8 - 3 = 5। अगर आंसर जीरो आता है तो उसको बोलते हैं हम सिंगुलर, मतलब क्या किसी भी मैट्रिक्स का अगर आंसर जीरो है, उसका डिटरमिनेंट का आंसर अगर जीरो आ रहा है तो उससे बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका आंसर जीरो नहीं आया तो उससे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है तो मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर जीरो आ गया होता तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा बच्चा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, हमारा तीन टाइप और बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चा, डिफिकल्ट नहीं है। सर ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिकॉल करना है, ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर था, ठीक है। 12वां हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सिमेट्रिक। नेक्स्ट वन है बच्चों का 13वां, क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। लास्ट होगा हमारा 14वां ट्रांसपोज। सिमेट्रिक से आपको नाम क्लियर हो रहा है, तो सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि ये हमारा ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैंने इसको करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ, मतलब समझ लो, मतलब अगर जो अपर में एलिमेंट है अगर वही लोअर में भी हो तो वैसे टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ऊपर जो दिया गया वही एलिमेंट अगर नीचे भी हो तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो हो वन हो, मतलब अगर जीरो जीरो आ जाता है वहाँ पे तो आप उसको एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बोल सकते हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सर जो अपर एलिमेंट दिया गया वही लोअर भी हो, जैसे 3:3 में जैसे 1, 2, 3 यहाँ पे हमने ले लिया, 4, 5, 6, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी कहीं से भी मत ले लीजिएगा, 4 मतलब अगर 4 लो तो 4, 5 और 6, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला जब इसको उल्टा करके यहाँ पे करोगे तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो लोअर और अपर एलिमेंट अगर सेम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला एक 2:2 वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दीजिए, तो आप लोग को बनाने आना चाहिए सर, कोई भी ले लीजिए यहाँ पे, आप अपने मजे से कुछ भी ले लीजिए, 5-5 ले लीजिए, 6-6, मतलब लोअर अपर जीरो, लोअर और अपर में कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, कुछ भी ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है दोनों में फर्क है, सेम ही है, सर थोड़ा सा चेंजेस तो हो गई बच्चों, नाम भी थोड़ा सा चेंज है तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चेंज होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब जो लोअर में एलिमेंट है वही अपर में भी एलिमेंट, सेम से हम लोगों पर पड़ा, पर डिफरेंस इज व्हाट, इधर साइन चेंज होना चाहिए। अगर समझिए कि ऊपर आप लोगों ने प्लस लिया बस, नीचे माइनस लिया, या फिर नीचे माइनस लिया तो ऊपर प्लस लीजिए, ये पहला चीज है जो चेंज है। सेकंड जो चेंजेस है, डायगोनल हर दम जीरो होना चाहिए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक बना रहे हैं 2:2 बना तो डायगोनल में जीरो ले लीजिए, अगर यहाँ पे 4 ले रहे यहाँ पे -4 लीजिए, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 लिए तो यहाँ पे -4 ले लीजिए, मतलब साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। और डायगोनल हर दम जीरो होता है, ठीक है, डायगोनल जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1, 2, 3 लिया तो यहाँ पे -1, -2, -3 ले लीजिए, ठीक है। तो 3:3 का स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का एग्जांपल। सिमेट्रिक क्लियर हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर हो गया बच्चों। लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको बोलते हैं बच्चों, ये थोड़ा टाइप ज्यादा है बच्चों, इसके वजह से टाइम लग रहा है। ऐसे हमारा बेसिक चीज है, जैसे मैजिक एडिशन सबट्रैक्शन में थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम लग सकता है हम इसको समझने के लिए, एंट्री इसको पास करना वहाँ पे जैसे होगा। बाकी जो हमारी चीजें उसमें खाली ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है,
जो ऑपरेशन है वो थोड़ा टाइम लेगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट कुछ काम के नहीं है, वो आप लोग फटाफट समझ पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर। ठीक है, 14 टाइप है हमारा बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, और ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब आपको क्या करना है ना कि जो रोज है उसको कॉलम में ट्रांसफर कर देना बच्चों, इसको एज अ डैश या फिर टी किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर ऐसा डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहे हैं, या फिर अगर उसके ऊपर आपको टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप लोगों को उसको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला जा रहा है। कौन सा मैट्रिक्स का? ए मैट्रिक्स का। ठीक है, समझिए, अगर ए मैट्रिक्स मैंने आपको कुछ भी दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, अभी रेक्टेंगुलर है कैसा कुछ भी इसमें पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, अब इसका आपको बोला जा रहा है सर ए पावर टी फाइंड कीजिए, फाइंड ए पावर टी। तो ए पावर टी कैसे निकालना है? सर जो रो है उसको आप कॉलम में, अब रो में कौन है 1 और 2, यहाँ पे आप कॉलम में ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 3 और 4, यहाँ पे आप कॉलम में ले लीजिए, मतलब रो और कॉलम का इंटरचेंज, जो रो था आप उसको कॉलम बना दीजिए, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वैसे आप 3:3 में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा 14 टाइप्स एक्सप्लेन हो चुका है बच्चों, तो जरा एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ, जरा ध्यान से समझिए और जरा कॉन्सेंट्रेट करिए, अगर आप लोग इसको साथ में पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग इसको क्या करना है सबसे पहले कि बंचेस में आप इसको डिवाइड कर लीजिए और कितने कितने धीरे धीरे करके उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, अगर एक साथ प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होने चाहिए, कॉलम कितने भी हो। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होने चाहिए, रो कितने भी हो। नेक्स्ट वन है हमारा जीरो मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम सेम नहीं होने चाहिए, रोज अगर दो रोज है तो 3 कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए या फिर एक ही कॉलम हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब रोज और कॉलम हमारे सेम होने चाहिए, जितने रोज दिए गए हैं उतने ही कॉलम भी होने चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब सर डायगोनल में कोई भी डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए बट रिमेनिंग सारे जीरो होने चाहिए, रिमेनिंग अगर सेम आ गया तो सर अगर 1 है तो आइडेंटिटी होगा, अगर 2 2 आ गया तो स्केलर होगा। ठीक है, अगर सर डायगोनल में लोअर की जगह पे एलिमेंट आ गया तो ये हमारा क्या होगा? ये तीनों मध्य तो नहीं होगा, तो अगर लोअर एलिमेंट है तो अपर ट्राइंगुलर होगा, अपर एलिमेंट मतलब 0 दिया हुआ अपर में तो लोअर ट्राइंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब क्या होता है कि सर मॉड ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 आता है, मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो सिंगुलर बोलेंगे, अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर बोलेंगे। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सर? सेम सेम जो अपर में दिया हुआ है नीचे भी अगर दे तो उसका हम सिमेट्रिक बोलते हैं। फिर सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सर? जो ऊपर दिया वही नीचे दिया होना चाहिए, खाली साइन डिफरेंस होना चाहिए और डायगोनल सारे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि रोज और कॉलम का इंटरचेंज। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारा चीज़ समझा होगा, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसको जरा एक दो बार माइंड में रिकॉल कीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये पेपर में आता तो नहीं है ये चीज़, बट जैसे मैंने एक फैमिली का एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको लिखिए और इसको रिविजन करने की कोशिश कीजिए।